सभी का मंगल हो। नमस्कार। बिना तेज दर्द के, गंभीर व्यथा के, ठीक है ना, या कोई बहुत ही कहते तीव्र जिज्ञासा हो उसके, हमें किसी भी अच्छे व्यक्ति की सलाह या काउंसलिंग कभी भी हमारे दिल दिमाग में चढ़ेगी नहीं, ये नोट कर लो। और यदि हम खुद ही ज्ञानी बन के किसी से बात करते हैं, हमें इसी बात का एक मीठा अहंकार हो कि नहीं, हमारे पास तो ज्ञान बहुत है और हम ही क्या कहते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, हम तो केवल वैसे ही पूछ लिया था, कोई ऐसी वाली बात थोड़ी थी, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तब आप ये समझ लें कि ऐसे व्यक्ति को तो संसार में ब्रह्मा जी भी आके खड़े हो जाए तो भी उसको समझा नहीं सकते, या उसको कोई अच्छी सलाह देने के लिए देने में वो भी क्या कहते हैं, हार मान बैठेंगे। क्योंकि ऐसे लोग ना तो दिल की बात कहते हैं ना करते हैं, बस केवल जिज्ञासा, एक नॉर्मल जिज्ञासा रखते चलते हैं, हर एक की चाशनी लिए चलते हैं और अपने हिसाब से शब्दों को चयन करके, उन शब्दों को पकड़ के, उनके चार अर्थ निकाल के, फिर जो अर्थ अपने पर सुटेबल लगता है उसको काउंट करके, फिर उसके हिसाब से वो अपनी अकाउंटेबिलिटी कहिए, अकाउंटेबिलिटी कहिए, कुछ भी बोलो, मतलब वो उसको एक स्थापित करते कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा, ये ऐसा। अरे भाई, मैं कितनी बार कहता हूं, मैं क्या मनोविज्ञान बोलता है, शास्त्र बोलते हैं, जब कोई भारी आपदा विपदा हो, संकट हो, गंभीर समस्या, तब तो कोई बात करते हो अच्छा लगता है, या हम किसी दुविधा में, उसमें समस्या नहीं, बस दुविधा में होती है, हम एक परफेक्ट सलाह मिल जाए तो या तो हम आर पार कर ले, या हम अपने हिसाब से फिर उस दोनों अपने विचार उसके विचार को मिला के कोई निष्कर्ष निकाल ले, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन खुद में ही ज्ञानी बनकर, कोई ऐसी आपदा नहीं, कोई विपदा नहीं, कोई समस्या नहीं, सब चीज ठीक चल रहा है, ठीक है, हर एक की अपनी इच्छाएं होती है, हर एक की अपनी चाहत होती है, और उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, बस जी नहीं जी, हमने तो नॉर्मल करा था जी, ऐसी बात करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर